लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। हर वर्ष कुछ तैयारी की दृष्टि से अच्छा होता है। इस बार भी पिछली बार की तुलना में और अधिक दीप जलेंगे और अधिक संख्या में वहां लोग होंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग भी जिस दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है वहां ध्यान देंगे। सर निकाय चुनाव बिल्कुल सरपन है, उसकी तैयारियां किस तरह? जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय हैं, हम लोगों ने अपेक्षा की है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ करके कि यहां 6 नगर निकाय जो है वहां कमल खिलना चाहिए और उसके लिए दिन रात परिश्रम करें। पारदर्शी ढंग से अब चुनाव होगा और कहीं कोई बूथ कब्जा करना, कोई फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालना, यह सब रुके और पारदर्शी लोकतंत्र की मजबूती यह पूरी तरह से दिखाई दे, इस बात को ध्यान में रख करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और चुनाव की तैयारी में जुटी। सर नेताजी के बाद जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है उसको चुनाव होना है, उसको लेकर आपकी तरफ किस तरह तैयारी रहेगी? नेताजी के प्रति हम सबका बहुत सम्मान है, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज इसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा यह जरूर। ठीक, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।